दोस्तों, कार खरीदने का सपना हर उम्र के इंसान देखते हैं। उनमें से कई गाड़ियां रोड्स पे आपकी शान बढ़ाती है और दुनिया में कुछ गाड़ियां ऐसी भी है जो सड़क पर चलती है तो गाड़ी में बैठे शख्स के साथ साथ सड़क की भी शान बढ़ा देती है। दोस्तों, आज एक ऐसी कार के बारे में बात करने वाले हैं जो स्मॉल फैमिली की शान बढ़ा देगी। इस गाड़ी का नाम है पियागो NT3। ये एक ऐसी कार है जो पेट्रोल और बैटरी दोनों से चलने वाली कार है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि हमने इलेक्ट्रिक कार तो ले ली, लेकिन अगर बीच रास्ते में बैटरी लो हो गई तो फिर कार को कैसे चलाएंगे। तो ये कार आपका सपना पूरा कर देगी, क्योंकि ये कार पेट्रोल और बैटरी दोनों से चलने वाली कार है। दोस्तों, बात करें फ्यूचर की तो ये कार सिर्फ 1 लीटर फ्यूल में 80 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देखने को मिलता है। दोस्तों, बात डिजाइन की करें तो इसका जो डिजाइन है वो बाकी कारों से काफी अलग है और ये कार फ्यूचर में काफी अच्छी है। दोस्तों, अगर बीच रास्ते में इस कार का फ्यूल खत्म भी हो गया फिर भी आप बैटरी मोड पे आप 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नॉन स्टॉप राइड ले सकते हो और ये कार बैटरी के दम पे 50 से 60 किलोमीटर तक का रेंज दे पाएगी। दोस्तों, बात करें कि ये कार 1 लीटर पेट्रोल में कितना एवरेज देती है तो ये कार 30 किलोमीटर का एवरेज देती है। और दोस्तों, इस कार की टॉप स्पीड रहेगी 80 किलोमीटर प्रति घंटे। दोस्तों, बात करें सीटिंग कैपेसिटी की तो इस कार में एक ड्राइवर और दो लोग आराम से बैठ सकेंगे। दोस्तों, ये कार 200cc और 300cc में अवेलेबल है। 200cc वाली कार में सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट में ही होगी और 300cc वाली कार है उसमें इलेक्ट्रिक मोटर देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आप पेट्रोल और बैटरी दोनों से चला के एवरेज निकालते हो तो इसकी एवरेज रहेगी 90 किलोमीटर और रेंज आपको 52 किलोमीटर आराम से दे देगी। दोस्तों, माइलेज की बात करें तो ये कार सिटी में 30 किलोमीटर प्रति लीटर की अप्रोक्सीमेट माइलेज देती है और हाईवे पर 33 किलोमीटर प्रति लीटर अप्रोक्सीमेट माइलेज देती है। और ये कार 2400 mm लंबाई, 1500 mm चौड़ाई और 1600 mm की ऊंचाई के साथ आती है। और ये एक स्मॉल कार है जिसकी वजह से इसमें दो डोर्स लेफ्ट और राइट में दिए गए हैं और ये एक इलेक्ट्रिक हैचबैक कार है। दोस्तों, ब्रेक्स एंड सस्पेंशन की बात करो तो इस कार में फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है। फ्रंट सस्पेंशन में MC फ्यूजन और रियर सस्पेंशन में ओमेगा है। दोस्तों, बात करें व्हील्स एंड टायर की तो इसमें अलॉय व्हील्स देखने को नहीं मिलेगा। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की बात करो तो इस कार में एयर कंडीशन भी दिया गया है जो कि काफी अच्छी बात है। और साथ साथ इस कार में पावर स्टीयरिंग और जो विंडोज दिए गए हैं वो भी पावर विंडोज दिए गए हैं, जो कि ये काफी हद तक अच्छी बात है। दोस्तों, एक्सटीरियर फीचर की बात करें तो इसमें टेंटेड ग्लास दिया गया है और पूरी बॉडी स्पेस फ्रेम स्ट्रक्चर विद क्रैश बॉक्स के साथ दी गई है। एक्टिव एंड पैसिव सेफ्टी फीचर की बात करें तो इसमें एयरबैग्स दिए गए हैं, लेकिन सिर्फ एक ही एयरबैग्स दिया गया है सिर्फ ड्राइवर के लिए। लाइटिंग की बात करें तो इस कार में फ्रंट में फॉग लाइट दी गई है और इस कार में ORVM टर्न इंडिकेटर देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। टेक केयर, बाय।